हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये एम्पलीफायर रिपेयरिंग का क्लास 2 है, तो इसमें टॉपिक होने वाला है ब्रिज रेक्टिफायर पर। तो ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या है, ये ट्रांसफार्म से जो सप्लाई आती है तो इसके एसी पॉइंट पे इनपुट होता है और यहाँ से डीसी आउटपुट होता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो एक ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड लगे रहते हैं, जैसे कि आप लोग देखिए IN5408, बाकी 4007, जैसे जिसका लोड हो उस तरीके से एम्पलीफायर में डायोड लगे रहते हैं। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर जिसका मॉडल नंबर है KBPC3510, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है एम्पलीफायर में, कोई भी एम्पलीफायर हो 250 वाट से लेके 1000 वाट, 1200, 1500 तक, बाकी बड़े एम्पलीफायर में उससे ज़्यादा 5010 यूज होता है। तो इसको हम लोग चेकिंग कैसे करते हैं, इसका वर्किंग कैसे होता है, तो इसमें डायोड 4 डायोड चारों तरफ से लगे होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। और इसको चेकिंग करने के लिए आप लोगों को मल्टीमीटर पर बीप रेंज में रखना होता है कंटिन्यूटी मोड पे, उसके बाद आप यहाँ पे प्रोब लगाएंगे तो आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए वैल्यू दिखा रहा है 468, और बाकी यहाँ पे देखिए नहीं बता रहा है, इसको इस तरफ करेंगे फिर बताएगा, क्योंकि डायोड एक तरफ बताता है एक तरफ नहीं बताता है। तो इस तरीके से चेक किया जाता है। अगर डायोड 60 होगा तो तुरंत बीप की आवाज़ देता है। चलिए एक पुराना ब्रिज रेक्टिफायर हम लोग चेक करते हैं, आप लोग देखिए इसको, देखिए ये 60 है, यानी कि ये ख़राब है। और दोस्तों, अगर कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर में बीप की आवाज़ आ रही है तो उसको तुरंत चेंज कर देना चाहिए। अगर वैल्यू भी नहीं शो कर रहा है तो वो लीक होता है, ओपन होता है, जिससे एम्पलीफायर में शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आती है। और इसको डायोड को किस तरीके से चेक करते हैं, तो जिस तरफ से रोकने वाला सिल्वर पट्टी लगी रहती है इस तरफ माइनस का प्रोब रखेंगे, और जिस तरफ ब्लैक पट्टी रहती है उस तरफ रेड प्रोब रखेंगे। और इसका वैल्यू देखिए आप लोग 429 दिखा रहा है। तो इसका काम मैनुअली क्या होता है, एसी से डीसी कन्वर्ट करने में और प्रोटेक्शन करने में, किसी भी सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये तो डायोड क्लास नहीं है, ब्रिज रेक्टिफायर क्लास है। डायोड क्लास में फुल डायोड के बारे में बताया जाएगा क्या क्या वर्क करता है, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर का जो काम होता है एसी से डीसी कन्वर्ट करने का, तो इसमें आप लोग देखिए यहाँ पर लगा हुआ है एसी प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है यहाँ एसी पे। तो आप लोग एकदम सरल तरीके से जानिए, जहाँ पे एसी लिखा रहता है उसके सामने वाला जस्ट एसी ही इनपुट होता है, जैसे किसी भी एम्पलीफायर में। और उसके ट्रांसफार्मर पर जो सप्लाई आती है, जैसे 50050, 35035, जो भी सप्लाई हो 12012, तो एक सप्लाई इधर होगा इस एसी पॉइंट पे, और ठीक सामने उसके इस पॉइंट पर इनपुट करेंगे दोनों सप्लाई। और उसके बाद हम लोग यहाँ से देखिए प्लस, जहाँ पे प्लस लिखा होगा यहाँ से इसका प्लस सप्लाई निकलेगी और इधर से इसका माइनस सप्लाई निकलेगी। बाकी जो 12012, 50050 होता है, जीरो वाला जो होता है पॉइंट, वो ग्राउंड होता है, तो कैपेसिटर के ग्राउंड पे वो इनपुट हो जाता है। तो यहाँ से प्लस सप्लाई निकलेगी, यहाँ से माइनस सप्लाई निकलेगी। दोस्तों चलिए दोस्तों, इसको अंदर हम लोग मशीन के अंदर दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, इस एम्पलीफायर में जो मेन प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग पे वायर आया था, जो कि कल के क्लास में बताया था ट्रांसफार्मर पर, उसके बाद की है क्लास। तो देखिए यहाँ से ए ऑरेंज वायर निकल करके इसके एसी पॉइंट पे यहाँ पे इनपुट हुआ है, इसके यहाँ एसी पॉइंट पे इनपुट हुआ है। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग यहाँ पे देखिए, और ठीक सामने इसके यहाँ पे इनपुट हुआ है जो कि एसी पॉइंट है। और यहाँ पे आप लोग देखिए, इसका जो है ये यहाँ पे इसका ये प्लस प्रोब है, ये प्लस प्रोब है, यहाँ से प्लस सप्लाई निकली है, और ठीक इसके सामने से माइनस सप्लाई निकली है जो कि ब्लैक वायर है। और यही माइनस सप्लाई इस
पे आई हुई है, आप लोग देखिए माइनस की सप्लाई, यानी कि इसको हैवी बनाने के लिए डबल डायोड लगाया गया है, तो यहाँ पे माइनस सप्लाई आ गई है। दोस्तों इस एम्पलीफायर में डबल ब्रिज रेक्टिफायर का यूज किया गया है, क्योंकि हैवी एम्पलीफायर है 1200 वाट का, इसलिए इसमें डबल ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया गया है। तो आप लोग देखिए इसके एसी पॉइंट पे यहाँ पे इनपुट हुआ, उसके बाद इस एसी पॉइंट से होते हुए इस ब्रिज रेक्टिफायर के एसी पॉइंट पे इनपुट हुआ, यानी कि पैरेलल में है। और उसके बाद इस एसी पॉइंट पे इनपुट हो करके यहाँ से हरा तार निकल के इस एसी पॉइंट पे इनपुट हुआ। आप लोग देखिए मैं फोकस कर रहा हूँ, और फिर इसके बाद यहाँ से इसका प्लस निकला है, फिर यही पैरेलल में होकर यहाँ से प्लस हो गया है, जिसके बाद यहाँ से प्लस सप्लाई होते हुए यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद आप लोग देखिए इस तरफ से इसका माइनस निकला हुआ है, और यहाँ से पैरेलल में होते हुए यहाँ से माइनस पर चली आई हुई है। ये माइनस प्रोब है इसका, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस है, एसी एसी है, यहाँ पे एसी है एसी है, प्लस है माइनस है। उसके बाद यहाँ से सप्लाई होते हुए इस कैपेसिटर बोर्ड पे आई है, कैपेसिटर बोर्ड पे, और इसके बाद यहाँ पे प्लस पे लग जाएगा, ये माइनस पे लग जाएगा, और ये कैपेसिटर पर जहाँ से प्लस माइनस दोनों आपस में जोड़ते हैं उस जगह इसका ग्राउंड इनपुट होगा, जो कि ट्रांसफार्म से होते हुए जीरो की सप्लाई आई है, यही ग्राउंड पे इनपुट हो जाएगा। ब्रिज रेक्टिफायर का इतना काम होता है, सप्लाई बनाता है, प्लस माइनस पे सप्लाई बनाता है। और दोस्तों कई भी सर्किट में आप लोग देखे होंगे जो डायोड होता है एसएमडी कंपोनेंट पर भी होता है, छोटे छोटे पावर सप्लाइयों में इस तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है, जो मैंने अभी वीडियो में बताया था कि इसको ब्रिज रेक्टिफायर बना देते हैं। ये IN4007 है, बाकी 5408 से भी बनता है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, मैं बरोबर क्लास बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, फुल रिपेयरिंग बनाऊँगा, आप लोग प्रॉपर समझने का कोशिश करिए। जो भी समझ में ना आए मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, और मेरा नंबर जो है कई वीडियो में शो हुआ है, आप लोग ले सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।